तो कई बार आप जब किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं कुछ भी डाउनलोड करने के लिए, तो आपको एक तो डायरेक्ट लिंक मिलता है, उसके अलावा साथ आपने अमूमन देखा होगा कि आपको मिरर वेबसाइट का लिंक मिलता है, यानी दिस इज द मिरर लिंक। उसके अलावा आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पे वैसे भी लोगों ने अगर साथ ना भी मिले डाउनलोडिंग के वक्त, तो अलहदा से नीचे लिखा होता है ऊपर डाउनलोड लिंक, नीचे मिरर लिंक। तो इन दोनों में क्या फर्क है, मैं आज आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो के साथ रहिएगा। तो दोस्तों मेरा नाम है वकीत और मैं आपको वक्त टेक चैनल पर खुश आमदीद करता हूँ। दोस्तों इस चैनल पर मैं बहुत सारी वीडियोस इस तरह की टेक की वीडियोस बनाता रहता हूँ, आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं जिस बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो है मिरर वेबसाइट। तो मिरर वेबसाइट असल में क्या चीज है और ये किस वक्त काम आती है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि सबसे पहले जो डायरेक्ट वेबसाइट जिसपे आप जाते हैं उसके बारे में, उसका फंक्शन किस तरह का है, यानी कोई भी यूजर वहां पर जाएगा, ठीक है, और वहां से चीज को डाउनलोड करेगा और वापस आ जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं मिरर वेबसाइट की, तो वो क्या है, वहां पर कोई भी डायरेक्टली रेडिकेट नहीं होता, रिडायरेक्ट नहीं होता, यानी वो वहां पे लोग डायरेक्ट जाते हैं, उसके बाद मिरर वेबसाइट का आपको लिंक मिलता है, तब आप उस पर क्लिक करके मिरर वेबसाइट पे जाते हैं। तो बेसिकली मिरर वेबसाइट क्या चीज है, फर्स्ट करें कि आज कोई गेम लॉन्च हुई है, हम फर्स्ट करते हैं GTA 5 ही लॉन्च हुई है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए, अगर मैं फर्स्ट कर रहा हूँ ये इस बात को याद रखिएगा, उसको डाउनलोड करने के लिए हम एक वेबसाइट पे जाते हैं जिसका नाम है GTA 5.com, ठीक है। हम वहां पर गए, फर्स्ट करें कि आज फर्स्ट डे है लॉन्च का और मैं वहां से डाउनलोड करने के लिए जा रहा हूँ, तो पूरे वर्ल्ड में वहां पर कितने लोग होंगे इसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि वो वेबसाइट हो जाएगी डाउन, जैसे वेबसाइट डाउन होगी तो मैं उस वेबसाइट को विजिट नहीं कर पाऊंगा, यानी कि वो वेबसाइट अब मेरे किसी काम की नहीं रही, उसके सर्वर्स डाउन हो चुके हैं, वो किसी कोई भी उसको ओपन नहीं कर सकता। तो इस वक्त में काम आती है मिरर वेबसाइट। मिरर वेबसाइट बिल्कुल वही वेबसाइट होती है जो कि आपकी मेन वेबसाइट होती है, लेकिन वहां पर भी आपको वही चीजें मिलती हैं, यानी कि वो एक अलहदा सर्वर पे वर्क कर रही होती है और जो डायरेक्ट वेबसाइट है वो एक अलहदा सर्वर पे वर्क कर रही होती है। इसका फंक्शन ये है कि अगर एक वेबसाइट डाउन हो जाती है तो कोई भी यूजर जाकर मिरर वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड कर सकता है जो उसे चाहिए होता है। दोस्तों फिर से मैं एक बार बता दूं कि ये क्या चीज है। डायरेक्ट वेबसाइट बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट है, जो उसकी मिरर वेबसाइट है वो भी ओरिजिनल है, सिर्फ उसकी एक कॉपी है, ऐसा नहीं कि वो किसी दूसरे शख्स ने बनाई है, वो भी उसी ही कंपनी ने बनाई है अपने उन यानी कंज्यूमर्स की सर्विस के लिए कि वो जब आए तो वेबसाइट डाउन मिलने के बाद वो वहां से अपनी चीज को डाउनलोड कर सके। अब मिरर वेबसाइट बेसिकली इस तरह होते हैं कि अलहदा सर्वर पे होती है, तो आपने ये भी चेक करना होता है कि आपको जो मिरर वेबसाइट मिल रही है वो किस सर्वर से मिल रही है। फर्स्ट कहने के अगर आपके पास, जैसे मैं सब पाकिस्तान में हूँ, तो मेरे लिए अगर कोई मिरर वेबसाइट मुझे मिलती है यहाँ पे भारत में, ठीक है, इंडिया में, या उसके साथ किसी भी और करीबी कंट्री यानी बांग्लादेश में मिलती है, ठीक है, तो चाइना में मिलती है, जिधर भी मिलती है, तो अगर मैं देखता हूँ कि वो वेबसाइट वो सर्वर मेरे ज्यादा करीब है, तो मैं ओरिजिनल वेबसाइट को डाउनलोड को छोड़ के मैं मिरर से डाउनलोड करूंगा, क्योंकि मुझे करीब के सर्वर से बहुत ज्यादा स्पीड मिलने वाली है कंपैरेटिवली ओरिजिनल वाले को। तो बेसिकली दोनों चीजों में कोई फर्क नहीं है, जो ओरिजिनल है वहां से भी आपको वही चीज मिलने वाली है, मिरर से भी आपको वही चीज मिलने वाली है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो जो मिरर है वो ओरिजिनल की एक कॉपी है, यानी आपको वहां से भी वही चीज मिलेगी, वहां से भी वही चीज मिलेगी, आपको जहां से साल लगता है डाउनलोड करने। तो ये सर्विस बेसिकली इसलिए है कि जब कोई वेबसाइट डाउन हो जाए तो लोग मिरर वेबसाइट पे जा सके, लोगों ने एक से ज्यादा मिरर वेबसाइट भी बनाई होती है, तो वो आपके ऊपर है, अगर आपने कोई वेबसाइट बनानी है तो आप बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इस तरह की मजीद वीडियोस में आगे लाता रहूंगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें उनके साथ जिसको इसकी जरूरत है, और कमेंट में मुझे इनसे जरूर बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी, कैसी वीडियोज आप चाहते हैं या कुछ भी आप जो कहना चाहें। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज मजीद बनाऊंगा और रोजाना के बेस पर लाता रहता हूँ।